अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माजिद नवाज अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद माजिद के साथ। जी आज मैं काफ़ी थोड़ा सा अपसेट हूं क्योंकि आज मैं जा रहा हूं जी कोरोना टेस्ट करवाने, कोविड का टेस्ट करवाने जा रहा हूं। तो कोविड का टेस्ट करवाने जा रहा हूं तो क्योंकि मैंने टिकट पाकिस्तान जाने के लिए ना टिकट खरीदी थी तुर्कश एयरलाइन की, जो मैं हर दफ़ा चेंज करता हूँ। लास्ट टाइम मैं PIA पे गया था तो मैंने काफ़ी महंगी भी टिकट ली थी दूसरी एयरलाइनों के मुताबिक। मुझे कतर मिल रही थी 450 की, एमरेट्स मिल रही थी मुझे 500 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुर्क इस्तांबुल का शहर भी देखेंगे कुछ दोस्तों के। मैंने काफ़ी टाइम लिए हुए थे जो कोरोना टेस्ट के, क्योंकि मैंने 30 दिसंबर को टिकट खरीदी है तो उसके बाद जो ना तुर्कश एयरलाइन के वो कानून चेंज हो गए। पहले थे 90 घंटे के अंदर आपको ट्रैवल करना होता था, लेकिन अब उन्होंने 72 घंटे का कर दिया है कि 72 घंटे आपने जो ना ट्रैवल करना है 72 घंटे के अंदर। तो उसकी वजह से काफ़ी मसला बना हुआ है, काफ़ी टाइम लिया है मैंने तो, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था 72 घंटे के अंदर। तो ये 2 दिन पहले मिला है, एक टाइम है मिलान के पास है, इधर मैं आया हूँ अभी कोरोना टेस्ट करवाने। अभी 11:30 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है, तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो दुआ करें नेगेटिव आए, क्योंकि अभी तक तो शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ मैं तो। और सो मसला बन जाता है, फिर टिकट भी ज़ाया हो जाती है, फिर घर में क्वारंटीन भी कर देते हैं। तो अभी जा रहा हूँ, अभी तकरीबन 1/2 घंटा पैदल लग जाएगा इधर, क्योंकि मुझे पैदल चलने का शौक है। मैं बस नहीं ली तो मुझे काफ़ी शौक है पैदल चलने का, तो मैं तो जा रहा हूँ अभी। तो फिर ये हम पहुँच गए हैं, ये हॉस्पिटल की है दीवार है, तो इधर इंट्री की जगह है, तो इधर मूवी बनाने की अभी इजाज़त नहीं है। तो इधर पहुँच गए तो देखते हैं, अभी 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट है हमारी, जाते हैं देखते हैं। अगर पहले वो हमारा टेस्ट ले लेते हैं तो ठीक है, बेहतर है। अगर उन्होंने बोला इंतज़ार करें तो इंतज़ार करेंगे। देखें मेरे साथ सामने लाइन लगी हुई है टेस्ट करवाने के लिए। हेलो सनीतारियो, इधर हम टेस्ट करवाने आए हुए हैं, तो ये आप मेरे सामने लाइन देख रही हैं, वो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। एक ये कैम्प है इंट्री के लिए, और दूसरी जो मेरी तरफ है ये देखें, काफ़ी लाइन लगी हुई है, काफ़ी थोड़ी नहीं काफ़ी लाइन लगी है। वो कैंप लगा हुआ है, वो आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं जी बाहर। जी मैं पहुंच गया हूं अभी, तो वो देखिए कैंप लगा हुआ है, लेकिन मैं गया था तो अभी उन्होंने बोला जी अभी इंतज़ार करें अपनी बारी का, तकरीबन 1 घंटे बाद अभी बारी आनी है, क्योंकि अभी ये देखे मेरे सामने लाइन लगी हुई है गाड़ियों की टेस्ट करवाने के लिए कोविड का। तो वो कैंप है तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो सर्दी भी काफ़ी हुई हुई है इधर। अस्सलाम लो जी, टेस्ट करवाया मैंने इधर से, तो अभी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, बहुत दिल ख़राब हो रहा है मेरा अभी, तो नाक से उन्होंने किया है अभी, तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह कल मिल जाएगा, नेगेटिव होगा। तो अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो के साथ मिलेंगे। ये है जी वो जिधर कोरोना का टेस्ट होता है, 2 घंटे हो गए हैं मुझे इधर इंतज़ार में लगे हुए। तो ये जी मेरे सामने देखा कितनी लंबी लाइन लगी हुई है जो टेस्ट करवाने के लिए कोविड का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने मुझे इधर कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो सुबह 7 बजे के खड़े हुए हैं, तो अभी तक उनकी बारी नहीं आई है, तो कह रहे थे कुछ कंप्यूटर का मसला है इस वजह से।